ओके, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट किया। कल हमने यस कुछ सर। बेसिक बातें की थी, इसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक, कल हमने देखा था कि मेटल कंडक्टर होता है, मेटल कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं। टी टाइम में कुछ हलचल होती है तो हम कहते हैं कि कुछ फ्लो होता है, तो ये पूरा फ्लो होता है, हलचल होती है, इसको कहा हमने करंट, इज फ्लोइंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसको और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा आगे जाके। सो मूविंग पार्टिकल मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। पार्टिकल जब चलते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट हम उसे कहते हैं। पिछले टॉपिक में देखा था इलेक्ट्रॉन वॉज एट रेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रॉन को किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तो उसके ऊपर फोर्स लगता था। ठीक है, सो इन एनी कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। कॉज क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? हमने कहा कि वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक्सटर्नली इफ यू एबल टू परचेज और बाय और एबल टू मैनेज टू हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द करंट, दैट्स द थिंग। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वेन एवर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गेट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करंट कैरियर्स के बारे में बात चल रही थी। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। लिक्विड्स में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड? दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेटल्स ओनली, फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि थर्मल वेलोसिटी इन मेटल, थर्मल वेलोसिटी इन मेटल क्या होती है। सो एज वी ऑलरेडी नो देर आर टेम्परेचर्स एक्सेप्ट -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, दिस विच मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मेटल, नॉन मेटल, एनी वन, दे आर इन रैंडम मोशन बिकॉज ऑफ thermal energy. So if you can see at 27 degrees Celsius, that is at room temperature, which is sufficiently high temperature for these electrons to move around. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 28 degree Celsius temperature लेता हूँ, so this molecule absorb that temperature, whatever the room temperature it is, and it will move in any direction. इसको कहते हैं कि ये random motion करेगा. So as temperature goes on increasing, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड हेंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो जनरली एट रूम टेम्परेचर दे हैव सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी, अबाउट 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड, सफिशिएंटली हाई, दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन एंड इन द opposite direction to that direction, you take any direction, right? So average velocity is zero. फिर हमने आए थे drift velocity के ऊपर। ये drift velocity हमने देखा कि what is mean by drift velocity? Drift velocity के अंदर हमने देखा कि क्या करना है हमें। ये यहाँ से current electricity का actually start होता है। अगर हम किसी external electric field create करते हैं, मतलब कोई battery लगा दो यार metal conductor को, जब हम बैटरी वगैरह लगा देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ग्रे कलर से मैंने दिखाया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे आर शिफ्टेड एंड अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है अंदर, थोड़ी बहुत और जाननी जरूरी है कि एग्जैक्टली ये तुरंत ऐसे अलाइन नहीं होते। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि ये अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा था डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका पाथ होगा टू, थोड़ी देर बाद थोड़ा और इधर आ जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा ये। ऐसे करते करते ये सभी इलेक्ट्रॉन अभी चलने लगेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह। तो हमने कहा कि करंट जनरेट हो गया है, करंट जनरेट नहीं हुआ, करंट
कॉन्सेप्ट आ गई यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी चल रहे, ठीक है. सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन टुवर्ड्स द पॉजिटिव. एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो ये दो तीन पॉइंट कवर कर लो जो यहाँ पे मैंने बताए थे. एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल रीओरियंट देमसेल्फ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज सम शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर रैंडम डायरेक्शन टू पर्टिकुलर डायरेक्शन. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम होती है, 10 to the power 2 mm/s. अभी आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसी को ही मैं आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ. देखो फिर से मुझे कंडक्टर निकालना पड़ेगा, लेट मी ड्रॉ द कंडक्टर. ये कंडक्टर रहा, इसको हमने बैटरी लगाई और अंदर यही थोड़ी फिलोसॉफी, क्योंकि किसी ने अंदर जाके देखा नहीं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है. ये सभी का मानना है ऐसा, अजम्पशन से कि ऐसा होता होगा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज, कुछ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऐसा बोला. ठीक है, कल जाके ये गलत हुई थेरी तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इसके लिए. ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो तुमको पढ़ा रहा हूँ. ठीक, चलो. तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है. देखो होता क्या है, पहले तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अपने जगह से नहीं हिलती, जैसे मैंने कल बोला था. ये काफी हेवी होती है, जो कोई मूव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन. क्यों होगा इलेक्ट्रॉन मूव भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ना लगाते तो रैंडम डायरेक्शन में मूव होता. ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव होता. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने की कोशिश हम करेंगे उसके ऊपर. ठीक है, तो अगर इसका मोशन में थोड़ा दिखाना चाहूँ, इस इलेक्ट्रॉन का, ये तो ऐसा है भाग रहा है ऐसा. ठीक है, जब मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये जिगजैग पाथ करते 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 आगे आ रहा है. ठीक है, इट इज लाइक कि केस वन, मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है आपको. ठीक, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अभी भी उसका रैंडम मोशन बरकरार है, लेकिन ये थोड़ा आगे आ रहा है. अभी ये थोड़ा ऐसे आगे आ रहा है, ये थोड़ा ऐसे आगे आ रहा है, ये ऐसा पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं आ सकता, दिक्कत आती है, आ नहीं सकता. कौन उसे रोक रहा है, देखो बीच बीच में ये न्यूक्लियस आ जा रही है बीच में. ठीक, इट इज लाइक वाटर इज फ्लोइंग इन अ रिवर और बीच में बड़े बड़े स्टोन से, तो पानी तो आगे आ रहा है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल अगर तुम देखोगे तो रोटेट हो रहे हो, पानी के मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के साथ वैसे ही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी अभी भी घूम रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा पुश मिल रहा है, थोड़ा सा पुश मिल रहा है, स्लाइटली पुश मिल रहा है, तो ये आगे आ रहा है थोड़ा सा. ठीक है, आगे आ तो इफिशियंटली आगे. दिक्कत नंबर टू क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ इसका कोलिजन होगा. कोलिजन होगा मतलब क्या है कि इसके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं होगी कंप्लीटली ऐसा. दिस इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड गेट स्टक एंड लूज देयर वेलोसिटी टू दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. लूज इट्स वेलोसिटी मतलब कोलिजन होगा, थोड़ी एनर्जी लॉस होगी, मेटल गर्म हो जाएगा, फिर ये खींच रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कोशिश करेगा आगे चलेगा, फिर अटक जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर अटक जाएगा, फिर आगे चलेगा. तो बड़ी ट्रेजेडी से ये आगे आ रहा है. ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, काफी काम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर गुड कंडक्टर है तो इसका जो रास्ता है, जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उसकी जो ट्रेजेडी वो कम होगी, क्योंकि ऑब्स्टेकल कम होगा बाय मेनी रीजंस. ठीक है, तो हमें ये कि एक दो चीजें इसके अंदर से उठानी है. जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इनका रैंडम मोशन तो होता ही है, लेकिन ये आगे आगे आ जाते हैं. दूसरी चीजें याद रखनी है, जब ये आगे आ जाते हैं तब ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं, तो इतना स्मूथली आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है. ठीक, इंसुलेटर में तो ये ऑब्स्टेकल काफी ज्यादा होता है, कंडक्टर में ये ऑब्स्टेकल लिटिल बिट कम होता है, और वही हमारा फाउंडेशन रहेगा ओम्स लॉ के लिए, वी इज इक्वल्स टू आई आर बनाने के लिए. ठीक है, अब इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं. ठीक है,
हेडिंग तो हमने दे दिया है ऑलरेडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम अभी बताते हैं 2-3 पॉइंट इसके रिगार्डिंग, ठीक है। पहला पॉइंट, आज का लेक्चर यही से स्टार्ट होता है, इसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई नया हेडिंग नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ही है, ठीक है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, क्यू इंटू हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अभी हमें पता है इसका मास होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो ये जो नेट फोर्स है क्यू ई, विच इज एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विच कैरीज सम मास और उसका कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है ए। तो हमने कहा क्यू ई इज इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इलेक्ट्रॉन का मास और एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्यों हुआ ये सब, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ठीक। इसको हमने इक्वेट किया, ठीक। ओके, अगर मैग्नेट्यूड वाइज लिखेंगे इसको, क्यू हो जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एम ए। माइनस ई क्यों लिखा, बिकॉज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, ठीक। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं तो एक एक चीज हमें निकल के आ जाएगी यहाँ से। एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस ई कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। हमें एक्सेलरेशन मिल गया, क्यों मिला एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज याद रखो, कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो कन्वेंशनली हमने जब कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं थी ह्यूमन बीइंग्स को करंट के बारे में, तब उन्होंने बोल दिया था कि चलो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन बता देते हैं। आगे चल के उनको लगा कि यार थोड़ा सा जो सोचा हमने वो गलत है, लेकिन ठीक है जैसा वैसा रहने देते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हम मानते हैं कन्वेंशन ऐसा है कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट थिंग, ठीक। पर ये तो गलत हो गया ना। हाँ, तो पूरा साइंस भी कुछ हद तक गलत ही है, अजम्पशन के ऊपर चल रहा है सब। नॉट रियली गलत हो रहा है, इट डजंट मीन कि गलत हो रहा है, ये हमने कन्वेंशन माना है ऐसा। करंट का डायरेक्शन, करंट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, तो हमने थोड़ा मैनिपुलेशन करके बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे, ठीक। हमने कहा ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई उसकी वजह से, अगर होती तो उसको हम स्टेटमेंट को पीछे लेके चेंज कर दे, ठीक। तो यहाँ पे ये चीजें लिख लो, एम, व्हाट इज एम, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is E? This is external electric field. Electric field, extra मत लिखो, electric field inside a metal, inside a metal. E क्या है? This is charge on electron. अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, एक second point. यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अभी जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया था तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज कर दिया, पूरा इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मामला था। यहाँ पे चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर तो चार्ज नहीं किया, हमने चार्ज को फ्लो कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ इनसाइड, ठीक है। तो दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, दिस इज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं रहेगी, जैसा कि हम देख सकते डायग्राम में इलेक्ट्रिक है, तभी तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखते चलो मेरे साथ, इट सी
सीम्स दैट, देखो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो तुम्हारे माइंड में एक चीज अटकती रह जाएगी, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे फ्लो होता है। फिर बहुत बार हम खुद की फिलोसॉफी बना लेंगे, हाँ ये ऐसा ऐसा था इसको वजह से हो गया, हाँ ये ऐसा ऐसा था उसकी वजह से हो रहा है। ठीक, तो थोड़ा जानने की कोशिश करो मेरे साथ, और जानते जानते मैं पॉइंट्स भी लिख के दे रहा हूँ ताकि बाद में तुम कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ। इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ सम एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो ऑब्स्टेकल की मैं बात कर रहा था ना, इलेक्ट्रॉन कि वो न्यूक्लियस के साथ पूरा आगे चलेगा, उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीज, ऐसा लग रहा हमें। ठीक है, पहले लगा हमें, क्या लगा हमें कि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अच्छा बहुत काम, बहुत नोबेल काम किया हमने, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो अभी दौड़ेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी ज्यादा होगी, 3 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दौड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूअस वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा हुआ, ऐसा लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हें पता है, मैंने बताया है कि ये जो आगे चलते चलते ये जो हेवी न्यूक्लियस है उसके साथ ये टकरा रहा है, या उसके साथ टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो रही है। मतलब क्या है, धक्का गाड़ी है वो। कभी देखा है कि गाड़ी का पेट्रोल जब खत्म हो जाता है, मतलब खत्म होने को, तो गाड़ी कैसे करती है, तुम तुम बुम 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 बुम, बीच में झटका आ जाता, थोड़ी आगे चल जाती है, बंद हो जाती है। इट इज काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये धक्का गाड़ी हमारी है। इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एन एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट डिडंट हैपन, बट ड्यू टू करंट। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। यस सर, यस सर। ओके, सो बट ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन विथ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स को किसी लोगों ने कर्नेल बोला है। ठीक है, कर्नेल्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक की टर्म होती है ना, कर्नेल, कर्नेल ये हो गया। तुम ऐसा समझो कि वो न्यूक्लियस है। ठीक है, कई जगह पे बहुत सारे वर्ड, कोई कर्नल कहेगा, अब मैं कहूंगा न्यूक्लियस है, कोई कहेगा ऑब्स्टेकल है। ठीक, वट एवर थिंग, कोलिजन हो रहा है उसका, पत्थर के साथ तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन कर्नल द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टा हो गया, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। चौथी बात, कोलिजन वाली बात मैंने बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, लेकिन जितना फास्ट चलना चाहिए था उतना फास्ट नहीं चले, कर्नल के साथ, न्यूक्लियस के साथ उसका कोलिजन, टकराव होते रहा, तो उसकी वेलोसिटी घट। ठीक, तो ओवरऑल इसके जो रैंडम मोशन भी है और ये आगे भी बढ़ रहा है, रैंडम मोशन भी है उसका आगे भी बढ़ रहा है। तो रैंडम मोशन में उसकी वेलोसिटी काफी हाई है, हमने जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना वो काफी छोटी है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है रुक जा रहा है, कोलिजन हो रहा है रुक जा रहा है, धक्का गाड़ी जैसा आगे आगे बढ़ रहा है। तो हमने कहा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो काफी कम है, मिलीमीटर पर सेकेंड, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी छोटी है। तो हमने कहा ठीक है, सो ओवरऑल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए कॉन्स्टेंट कॉमा स्मॉल वेलोसिटी। तो हमने माना, हमने ऐसा कंसिडर किया कि ठीक है, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन को कौन गिनते हैं बैठे, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे है, और उसका कोई भरोसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, कोई ऐसा मूव कर रहा है। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस, इमेजिन करो कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है और वो आगे चल के ऐसा चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा है, वही एक ही इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा रहा हूँ मैं ये। ठीक, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कोई ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है, वो ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी का खेल है।
तो ये नंबर वन इलेक्ट्रॉन देखा, ये नंबर टू, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कोई ऐसा चल रहा होगा, ऐसे चलते चलते वो आगे आ जाएगा, तो कोई स्पेसिफिक पाथ पे तो नहीं चलेगा। पहली चीज एक मेरे बात मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे इसको तो ये कोई ऐसा नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलने लगा, नहीं वैसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके पास खुद की वेलोसिटी इतनी हाई। तुम क्या कर सकते हो, भीड़ को धक्का दे सकते हो, तो मंदिर में होता है ना भीड़ हो जाती है तो पुलिस पीछे से धक्का देती, चलो तो कोई इधर उधर चलने लगता है तो सब के सब अपने मोशन के साथ आगे चलते, तो पूरी भीड़ को धक्का देने जैसा ही है पूरी चीज। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन ओवरऑल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, काफी कम होगी, वेरी स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विल मूव वेरी स्मॉल वेलोसिटी अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एंड द फिफ्थ पॉइंट वी विल राइट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी थी, इट वॉज अबाउट 10^4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एंड द ड्रिफ्ट स्पीड, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना एक वर्ड आएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल, दैट इज 10^-4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये स्पीड वेलोसिटी ऐसा नहीं लिखते, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10^-4 मीटर पर सेकेंड। नंबर काफी छोटा मान लो, मिलीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, लेकिन छोटा बताएंगे। देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर तुम्हें कोई पूछेगा 100 बात की एक बात, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना पूरा बताने के बाद भी तो हम कहेंगे कि यार वो जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धक्का देते हैं, धक्का देने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलने वाला जो वेलोसिटी उनके पास मिल जाता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें चार्ज दिशा पे खत्म हो जाएगी चार्जिंग। ठीक है, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10^-4 मीटर पर सेकंड। डायग्राम वगैरह निकालते हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रैंडम मोशन ऊपर नीचे, मुग्धा माइक बंद कर, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा चल रहा है। ठीक है, इसके पास ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, रैंडमली चल रहा, लेकिन कुछ इसके पास हमने एक्सटर्नली पुश किया, ओ धक्का दिया, थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ये सभी मोशन जो हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे हैं, 10^-4 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्योंकि इतनी हाई वेलोसिटी को तुरंत एक डायरेक्शन में अलाइन करना है तो नियर टू इम्पॉसिबल, हम इस भीड़ को थोड़ा 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 आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक बात देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, इसको हम सिक्स्थ पॉइंट बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे दो वर्ड मुझे बताने, दो टर्म मुझे हमने बताने यहाँ पे, तो ये फिनोमेना को और क्लैरिटी देने के लिए हमने दो टर्म्स बना दिए, एक थे रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा मैंने बताया फ्री पाथ। फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बता रहा हूं क्या है ये, लिखो मेरे साथ पहले, सक्सेसिव कोलिजन। हमने कहा कि इसका कोलिजन हो रहा है, देखो यहां से यहां इसका कोलिजन हुआ, आगे पहले यहां पे था पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहां पे था, धड़ाम से कि यहां पे क्या होगी, मुलाकात होगी, ये बी पार्टिकल यहाँ से कहीं यहाँ पे आया, हमारा ये पार्टिकल इधर गया, इधर कोलिजन हो गए इसका। ठीक है, तो कोलिजन होने के पहले चल रहा था, नहीं गुनगुनाते हुए चल रहा था,
जितने टाइम तक उसका कोलिजन नहीं हुआ, मतलब जितने टाइम तक इसकी जर्नी चल रही थी, तब वे खाली रिलैक्स बैठा था कि कोलिजन होना बाकी है अभी। उसको हमने कहा कि दैट इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम टाउ से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम टाउ से, ठीक है। मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम से दिखाते हैं, और इसको कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इनके रैंडम मोशन से हमने इजी करने के लिए दो टर्म निकाले, एक का हमने रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन के बीच में जितना टाइम है वो टाइम, यहाँ से यहाँ कोलिजन होने तक का कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हमने कहा लैम्डा। दो चीजें हमने बताई, ठीक है। ओके चलो अभी सिक्स पॉइंट लिखते हैं। ये पॉइंट लिखते लिखते हम एक इक्वेशन के ऊपर अराइव हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे ना एवरेज या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताते हैं, ठीक है। तो हमें काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v इज इक्वल टू लेते हैं हम u प्लस at, ओके। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, सुन रहे हो मेरी बात गाइस, आर यू लिसनिंग? यस सर, यस सर, चल रहा है ना सब कुछ? यस सर, क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी फोन नहीं है, चार्जिंग को लगाया हूं। हां सर, आ रहा है। ओके राइट, सो जीरो कर देता हूँ, यू को मैंने जीरो कर दिया। व्हाट इज यू बेसिकली? यू क्या है? जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो ये है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर इनिशियल एवरेज कहेंगे, क्योंकि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं, सभी पार्टिकल की मिला के इनिशियल एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो वेलोसिटी है v, ठीक है। और इनिशियली एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग फील्ड, ये तो जीरो है, एवरेज वेलोसिटी हमने पहले ही देखा। हर एक पार्टिकल की लेंगे हम u एवरेज को, हम u बार से दिखाते हैं, ये होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन डिवाइडेड बाय n, और ये कोई ऊपर के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे, नीचे से कोई ऊपर जा रहे, तो एक दूसरे को ये पूरे कैंसिल कर देंगे। व्हाट इज दैट एक्चुअली? द थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले उनके पास जो वेलोसिटी थी दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, उसको हमने कहा था वो है थर्मल वेलोसिटी, वो जीरो है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, कर दिया जीरो। क्या बचा अभी? यहाँ पे बचा v इज इक्वल टू a इंटू t, v इज इक्वल टू a इंटू t, ठीक है। अभी ये तो एक पार्टिकल के लिए नहीं दिखाएंगे ना, पूरे होल बंच ऑफ पार्टिकल के लिए दिखाना पड़ेगा। तो ये जो है दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो भी क्या होगी, उसको ऐसा ये करना चाहिए, ऐसे बार लगाना चाहिए, बार मतलब एवरेज, ठीक है। तो v क्या होगा? वो होगा v1 बार में, बार का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मिला जुला के पूरी जो एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी छोटी है ना, हर एक पार्टिकल को आगे आगे खिसका रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो भाई प्लीज चलो, मानने को तैयार नहीं। इट्स लाइक पिया हुआ आदमी है, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, कोई बोल चल भाई थोड़ा, तो थोड़ा आगे जाएगा फिर गोल घूमेगा, थोड़ा आगे जाएगा थोड़ा गोल घूमेगा, इट्स कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट दे रहे थी कैसे तो भी उसको घर भेज देंगे हम, ठीक है। चल और ये इसको कहेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, इस टी को बना देंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन कर रहा है, कोलिजन करते हुए आगे चल रहा है, ठीक है। सो टी बिकम्स नाउ रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी इस फॉर्मूला को कलर चेंज करते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू a इंटू टाउ,
टाउ को भी लिखते हैं हम टाउ एवरेज, क्योंकि एवरेज बताना ही मतलब का काम होगा ना, बिना एवरेज के मतलब वो एक पार्टिकल की बात कर रहे हो और एक पार्टिकल के बारे में हम इतना श्योर नहीं हो सकते। हमने कहा पूरा मिलियंस ऑफ पार्टिकल के लिए हम कहेंगे एवरेज यूज कर दो भैया वर्ड, ठीक है। यहाँ पे टाउ एवरेज भी क्या होगा, हर एक पार्टिकल का टाउ वन प्लस टाउ टू, हर एक पार्टिकल का रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कोलिजन के बीच में जो खाली बैठा है घूम रहा है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो हमने सभी का एवरेज ले लिया, एवरेज बोल रहे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ओके सो इस एवरेज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। इसको मैं नया वर्ड दे दिया वीडी, वी एवरेज को या वी ड्रिफ्ट को मीनिंग सेम है, लेकिन हम अभी यहाँ से उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएंगे, ठीक। ओके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर डिराइव करके रखा था, अभी उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जिस पर ये वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक है। तो मैं उसको मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट, पहले तो ले लो वेक्टर वाइज, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इनटू टाउ एवरेज, ठीक है। तो ये बता दिया हमने यहाँ, तो ये मेरी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक। ऐसे तो भी रोते रोते हुए हम यहाँ तक आ गए और हमें मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें हमारी चाहत और है आगे, इसको थोड़ा और प्यूरिफाई करेंगे। यही है मेरी तो है, मैं तो मतलब सिखाऊंगा भी नहीं, यही चाहत है, लेकिन फिजिक्स की चाहत है आगे, कोई पता है, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर यहाँ से कुछ, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, तुम इतना याद रखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर ने कुछ बोला था। चलो लिख लो पहले इतना, वी एवरेज ए इनटू टाउ एवरेज कैसे हुआ, कौन सा v एवरेज a इंटू टाउ एवरेज, ठीक। ये तो हमने काइनेमेटिक्स से पहले तो देख, ये काइनेमेटिक्स से फॉर्मूला उठाया, पहले जस्टिफाई तो करना पड़ेगा भाई, ये फॉर्मूला हम किसके लिए लगा रहे हो। हमने कहा ये फॉर्मूला हम ना ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा रहे हैं, तो हम इस एवरेज बोलेंगे। अब ये होगी v एवरेज, ये होगा u एवरेज, ये होगा a और ये होगा टाइम। फिर बात आएगी कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले ये तो जीरो हो गया, यहाँ तक बात सबको समझ में आई, ठीक है। फिर ये v इज इक्वल टू a इंटू t हो गया, यहाँ तक समझ में आया। फिर ये t को आपने रिलैक्सेशन टाइम क्यों लिखा सर, t को रिलैक्सेशन टाइम क्यों लिखा है, ठीक है। अभी ये जो वेलोसिटी है v, ये v तो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते जा रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोलिजन कर रहा है, तो ये आगे जा रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दू कुछ डायग्राम, ग्रीन कलर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है यहाँ वहां, ठीक है। तो ये दूसरे पार्टिकल को टकरा रहा है और आगे भी जा रहा है। एक वर्ड थोड़ा सा डाइजेस्ट कर, ये दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा भी रहा है एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहा है मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। कितने टाइम में आगे बढ़ रहा है, जब तक ये टक्कर दे रहा है, ये टक्कर देगा यहाँ पे, कोलिजन करेगा वो वाले टाइम पे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जा रही है जीरो, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है। कब तक आगे बढ़ रहा है, जब तक किसी पार्टिकल के साथ टकराना चाहता है, ठीक है। हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस वो जो ट्रेवल कर रहा है वो है उसका लैम्बडा, उसको हमने कहा कि वो है फ्री पाथ, और वो जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम है उस टाइम को हमने दूसरा नाम दे दिया, वो गरीब नाम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, आगे आगे थोड़ा, कोलिजन जीरो, आगे आगे, तो थोड़ा 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 ये आगे चल रहा है, तो इसको हमने कर दिया टाइम को रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कोलिजन के टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आगे बढ़ने वाला टाइम, ठीक है। अभी लिख लो, इतना हो गया होगा तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आगे पिक्चर बाकी है अभी। हो गया सर, हो गया, ठीक। डन सर, जा चल अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें, दिस इज, इसको ए बना देते, एक फॉर्मूला यहाँ से मिला, ठीक है।
तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस और पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी ये VD मतलब क्या है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब मैं सिंपली V लिखूंगा मतलब वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कंडक्टर, बैटरी लगा दी हमने, ये टोटल लेंथ है कंडक्टर की, अंदर सेटअप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें याद है? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? एक रिलेशन मैंने लिखा था, ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीआर, एक रिलेशन हमने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। और क्या एक्सप्लेन है? सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे रहा था, समझो बात को, ये मिस किसी ने नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल चेक किया, पोटेंशियल तुम्हें पता है इन्फिनिटी से वहां कुछ लेके आते हैं, वो वाली बात, ए और बी, ठीक है, ये है पोटेंशियल एट ए, दिस इज पोटेंशियल एट बी, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है क्या पोटेंशियल। हमने ये दो पॉइंट का पोटेंशियल देखा, ये सरफेस का, ये सरफेस का, पोटेंशियल सरफेस नामक कुछ ऐसा चीज आया करती थी, वहां पे हमने इसे पढ़ा था, हमने देखा कि पोटेंशियल एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते रहेंगे हमारा पोटेंशियल कम होते जाए, मतलब यहाँ पे कहीं पोटेंशियल हायर होगा कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जाके कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे लिया है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बैटरी के थ्रू, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, और ये वाला एंड कैसा होगा, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फ्लो हो रही है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरा तरीका इसका समझने का, हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक, बचपन में हमने यही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर कोई मुझे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं कहूंगा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे, इसको इलैबोरेटिवली यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज यूजफुल, सो विल राइट इट दिस ब्लू कलर, डीवी को लिख देता हूँ, डीवी आर से लिख देता हूँ, माइनस ई इंटू डीआर डीआर, ठीक है। तो इसको डेल्टा वी लिखता हूँ मैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू इस डीआर को मैं करता हूँ डेल्टा आर, ठीक है। तो डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, फाइनाइट है ये, कैसा था ये स्मॉल काफी छोटा था, ये फाइनाइट बना दिया मैंने, ठीक है, नेगेटिव साइन हटा दिया बिकॉज आई एम राइटिंग इन द स्केलर फॉर्म, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा लिख दूं मैं जनरलाइज फॉर्म में, सो आई विल राइट वी इज इक्वल टू ई इन टू डी आर, क्या है डी आर इज द लेंथ बिटवीन दिस टू एंड्स, ठीक है, वी क्या है, वी इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी वी, ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड, और dr को मैं अभी लिख रहा हूँ, l क्या है, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द कंडक्टर बता दिया, वो है v, और थ्रू आउट द कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई e, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर है l, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंट्रोड्यूस किया तुम्हारे सामने, सो आई विल राइट e इज इक्वल टू नाउ v बाय l, ठीक है, छोटा सा लिखोगे तो ऐसा लिखेंगे, निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा डिक्रीज है,
मुझे उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको मैंने बड़े कंडक्टर के लिए फॉर्मूला को बड़ा बना दिया, E is equals to V by L, E is equals to V by L. अभी देखो ये वेट कर रहा था, E सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे E को हम V by L से, ठीक है. सो सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन ए इसको, तो वी डी हो जाएगा मेरा माइनस ई, कैपिटल ई को लिखा मैंने वी बाय एल इंटू टाउ एवरेज, ठीक है. अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ सो मैं निगेटिव साइन को गोली मार दूंगा, मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया. नीचे एक एम बाकी है ना, नीचे वाला एक एम, ये रहा एम. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला. हमें करंट निकालना है अभी, नेक्स्ट टॉपिक में हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसके ऊपर से कोई एक हार्डली क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, लिख लो इतना. हम यहाँ ही रुक जाते हैं क्योंकि आगे एक टॉपिक है करंट, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. कल मुझे इस चीज को थोड़ा और रिपीट करना पड़ेगा ताकि लेयर बाय लेयर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्रेन के अंदर कुछ चीजें मैं सेट कर सकूं. हो गया सर? ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? सर हो गया. थोड़ा एक ब्रश, एक लास्ट हाथ लगा देते इसके ऊपर, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, बोर नहीं करूंगा बिल्कुल, ठीक है. तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हम मेटल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, बाकी लिक्विड सेमीकंडक्टर भी होता है वो हम बाद में करेंगे, अभी हम अभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है सराउंडिंग से टेम्परेचर की वजह से, तो zigzag पाथ होता है, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और काफी हाई वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है. ये फंडा क्यों समझा हमने? क्योंकि हमें करंट समझना है बाद में जाके. तो हमने कहा, डिफाइन ही किया था सबसे पहले कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो ये चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्यों नहीं दिख रहा हमें? हाथ लगाओ के तो एक झटका क्यों नहीं लग रहा है कोई भी सब्सटेंस को? किसी भी मेटल सरफेस को हाथ लगा के देखो, करंट नहीं लग रहा है तुम्हें? क्योंकि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है कट छाट के जीरो हो जाती है. वो फंडा यहाँ पे हमने देखा, ठीक है. इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, प्रोबेबिलिटी से हमने बताया. हमने कहा कि ठीक है, अभी हमें करंट प्रोड्यूस करना है, तो हमने तैयारी की, हमने बैटरी लेके आए मार्केट से, ड्यूरा सेल, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, आ ही जाएगी, वायर से कनेक्ट करोगे ना इसे, किसी मेटल को, और यहाँ पे बैटरी लगा दिया हमने. फिर हमने देखा कि ये जो रैंडम मूव होने वाली इलेक्ट्रॉन है वो अभी रैंडम मूव करेंगे ही, वो सुनते नहीं किसी की, बहुत हाई वेलोसिटी से रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे आएंगे. पहले क्या हो रहा था, मन मर्जी कहीं जा रहे थे, अभी क्या हो रहा है, मन मर्जी कहीं भी जाएंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उस कितने स्पीड से आगे बढ़ना है उसको कहेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो काफी कम होती है, ठीक. फिर हमने उसका मैथमेटिक्स किया, बाकी कुछ नहीं, दो तीन चीजें जो मैंने बोली वो लिख दी. उसका मैथमेटिक्स क्या किया हमने, हमने कहा कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, हमने कहा ओके, कितना लगाती है, क्यू इन टू ई, फाइन. किसके ऊपर लगाती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो हमने कहा इस इज इक्वल टू एम, हमने कहा ठीक है भाई करो अपनी मर्जी. वहां से एक्सेलरेशन हमने निकाला, इस इलेक्ट्रॉन का हमने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है. तो एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा स्पीड बढ़ती ही जाएगी, स्पीड उसकी कम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो से बढ़ेगी जीरो हो जाएगी, बढ़ेगी जीरो हो जाएगी, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा. तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक. फिर दूसरी चीज यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती अभी, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है ना साफ साफ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, वो घुमा रहा है, ठीक. फिर हमने कहा कि ये सब चीजें ठीक है. फिर हमने यहाँ पे फिर काइनेमेटिक्स लगाया. क्यों लगाया? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानना. क्यों जानना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? तब जाके मुझे करंट का फॉर्मूला समझने आएगा, तब जाके हम उसको ओम्स लॉ की तरफ बढ़ा सकते हैं.
तो ये जो ये पूरा रास्ता जो है ये पूरा ओम्स लॉ तक हमें लेके जा रहा है। हमने कहा कि कुछ रिलैक्सेशन टाइम आता है और फ्री पाथ बोल के कुछ टर्म आती है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? हमने कहा देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ नहीं लगाओ, अंदर कोलिजन हो रहा है सक्सेसफुली। अंदर कोलिजन जब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो कुछ टाइम होगा उसको हमने कहा कि वो है रिलैक्सेशन टाइम। फ्री पाथ क्या है? जब तक कोलिजन ना हो, जितना रास्ता उसने कवर किया है, तय किया है, उसको हम कहेंगे फ्री पाथ। हमने कहा ठीक है, कोई काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। फिर हमने लगा v इज इक्वल टू u प्लस at। हमने कहा कि यार इनिशियल वेलोसिटी मतलब बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वो एवरेज जीरो थी। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसका एक्सेलरेशन हुआ, आगे आने लगा, ठीक है। और फिर t कितना टाइम है वो है, हमने कहा कि वो रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन करते करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, दैट इज द टाइम रिलैक्सेशन। और ये सभी चीजों का हमें एवरेज लेना है। हमने यहाँ पे v1 v2 v3 अपॉन n किया। यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, देखो इंटीग्रेशन होता है फाइनाइट चीजों के लिए और कुछ चीजें जिसका हमें कुछ ना कुछ आइडिया है। तुम कहोगे सर इतना बहुत सारा पार्टिकल है उसका इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर कहा इंटीग्रेट करूं, मुझे लिमिट नहीं पता ना, ये पूरा रैंडम है, पूरी भीड़ भाड़ इलाका है, किसी को कैसे कंट्रोल करे, किसी का डायरेक्शन नहीं पता, किसी का पाथ नहीं पता, कौन कैसे चल रहा है कुछ नहीं पता। सो इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं आएगा यहाँ। नहीं तो हम छोटा सा एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट कर देते, यहाँ से वहां बोल देते ये ऐसा, ठीक। इसलिए हमने एवरेज चुना, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ही हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है उसको हमने कहा कि वो एवरेज वेलोसिटी, उसकी हाँ चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दे दो, एवरेज काफी हुआ। एवरेज वेलोसिटी विल बिकम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने कहा कि ठीक है, हमें फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, v इज इक्वल्स टू a इनटू t। a को मैंने पुट किया, ये जो ऊपर हमने निकाल दिया था, स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m इनटू टाउ एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम लिखा। फिर मैंने बताई दूसरी कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, जो पहले से ही पता थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमने कहा कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है और करंट भी वही डायरेक्शन होता है, बस इलेक्ट्रॉन उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो हमने ये पूरे मेटल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, हमें मिला E इज इक्वल टू वी बाय एल। उसको हमने यहाँ पे E की जगह पे पुट कर दिया वी बाय एल, ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ जाके मिल गया, ठीक है। और कहानी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ पूछना होगा पूछो, नहीं तो हम टाटा बाय बाय।